नहीं जाएंगे और गाड़ी जो है काफी स्मूथ चलाएंगे और देखेंगे कि माइलेज रियल में क्या देती है ये गाड़ी। जो की है सीएनजी पर और कंपनी फिटेड फैक्ट्री फिटेड कंपनी फिटेड सॉरी सीएनजी है ये और इसकी हम फुल जो मतलब स्पीड है वो रखेंगे 60 से 70, इससे ऊपर हम नहीं जाएंगे और गाड़ी जो है काफी स्मूथ चलाएंगे और देखेंगे कि माइलेज रियल में क्या देती है ये गाड़ी। 273 रुपए का हमने इसमें सीएनजी भरवाया। हम इसको ट्रिप जो थी वो जीरो पर सेट कर दी गई थी। तो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मीटर की रीडिंग जो कर दी गई है मतलब सेटिंग जो कर दी गई है वो जीरो पर कर दी गई है और सीएनजी के फुल डंडे आपको इसमें दिखाई दे रहे होंगे, मतलब पूरा सीएनजी पंप से हमने इसमें सीएनजी भरवा लिया और रियल माइलेज टेस्ट इसका करके देखेंगे कि मेरे घर से जो ऑफिस के बीच की दूरी है उसमें उसी पंप से सीएनजी पंप से नेक्स्ट डे भरवाएंगे और कैलकुलेट करके बताएंगे कितना माइलेज देती है। और गाइस बीच बीच में आपको टिप्स भी देता रहूंगा कि आपकी गाड़ी को कैसे मतलब अच्छा मेंटेन रखें। मैं आपको एक बात बता दूं, आने वाली वोल्टो K10 वो पूरे 1,00,000 और करीब 10,000 किलोमीटर के आसपास चल चुकी है और उस गाड़ी में आज तक क्लच प्लेट चेंज नहीं हुई है। मीन्स ये है कि सिंगल हैंड गाड़ी और स्मूथ चलाएंगे आप, ज्यादा झटके नहीं मारेंगे गाड़ी में और हैंड ब्रेक वगैरह सब छोड़ छाड़ के ठीक ठाक से चलाएंगे तो आपकी गाड़ी जो है वो 2,00,000 तक भी जा सकती है। लेकिन यही है कि आपको अच्छे से चलाना पड़ेगा और उसको मेंटेन करना पड़ेगा टाइम टू टाइम, यानी कि आप सर्विस नहीं करवा रहे हैं गाड़ी को, ऐसे खींच रहे हैं तो वो सब। सो गाइस आप यहाँ पे एक चीज देखिए कि 40 की स्पीड है यहाँ पर और इधर जो है ये जो स्टीरियो है उसमें भी सेम स्पीड दिखा रहा है। सो गाइस यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे गाड़ी में अभी थोड़ी सी खींच रहा हूँ, एक तो ये हाईवे है तो हाईवे पर थोड़ा सा तेज चलानी पड़ती है और दूसरा चीज़ है कि पीछे से एक ट्रक भी लगा हुआ है जो लगातार फिर हॉर्न मारता है तो फिर थोड़ा सा सोचने वाली बात है। अगर आपके पास गाड़ी है और आपको ट्रक निकलना चाह रहा है उससे आगे तो फिर थोड़ा सा खींच सकते हो, तो यही बात है, इसी वजह से मैंने इसको 80 की स्पीड से चलाया, अदरवाइज मैं 70 से ऊपर नहीं जाता हूँ। सो गाइस जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 179 किलोमीटर गाड़ी अब तक एक ही पेट्रोल के जो सीएनजी का जो टैंक था सॉरी उस पे चली है, मतलब तो देखेंगे कि भाई एक तो सबसे पहले ये पता चल जाएगा कि एक सिलेंडर में गाड़ी कितनी चलती है और दूसरा जितना सीएनजी आएगा उसके हिसाब से कैलकुलेट करके हम आपको ये बताएंगे कि कितना माइलेज गाड़ी ने दिया है। गाइज आपकी गाड़ी की जो परफॉर्मेंस होती है और जो माइलेज होती है वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसको चलाते हैं, ज्यादा क्लच ज्यादा ब्रेक आप यूज करेंगे तो डेफिनेटली आपकी गाड़ी जो है वो माइलेज अच्छा नहीं देगी और सीएनजी हो चाहे वो फ्यूल पेट्रोल हो या डीजल हो सभी को ज्यादा मात्रा में ही खाएगी। सो बेसिकली आपको क्या करना है कि अपनी गाड़ी को जो है बिल्कुल स्मूथ चलाना है, ज्यादा तेज नहीं और ज्यादा मंदा नहीं, मतलब जितना ज्यादा आप फास्ट एक्सीलरेट करोगे आपके सामने कुछ आ गया तो आप उतनी जल्दी ब्रेक मारोगे, उतनी जल्दी ब्रेक मारोगे तो फिर उठाने में जो पेट्रोल लेगी गाड़ी वो भी बहुत ज्यादा होगा। तो आराम आराम से गाड़ी चलाओ बिल्कुल प्यार से और वो आपको हमेशा अच्छे से रखेगी। गाड़ी को आप अच्छे रखोगे वो भी आपको अच्छे से रखेगी, आपकी जेब की पॉकेट फ्रेंडली रहेगी हमेशा और आपको जो है गाड़ी कभी ज्यादा मेंटेनेंस वगैरह सब ये सबसे बच जाओगे आप लोग। भाई देखो इंडिया में लोग कैसे सफर करते हैं ये देखो, मौत से खेलने वाली बात है बिल्कुल। 200.9 किलोमीटर और भाई मुझे लग रहा है कि ये जो है वो 250 का भी आंकड़ा पार कर जाएगी एक सिलेंडर में, लेकिन हमें सिलेंडर कितना खाएगा ये नहीं देखना है, हमें जस्ट इसका माइलेज निकालना है। तो जब मैं उस सीएनजी पंप पर जाऊंगा जिससे मैंने पहले गैस भरवाई थी उसी से ही मैं गैस भरवाऊंगा और उसी प्रेशर पे सेम सीएनजी पंप मतलब जो होता है साइड वाला मतलब जिससे मैंने डलवाया था उसी से डलवाऊंगा, मतलब इधर उधर भी नहीं करूंगा गाड़ी को बिल्कुल भी। सो गाइज आप देख सकते हैं 223 किलोमीटर चली है गाड़ी और अब मैं इसमें सीएनजी भरवाऊंगा, सीएनजी पंप सामने आ गया है, इसी सीएनजी पंप से मैंने सीएनजी भरवाई थी और अब मैं दिखाऊंगा आपको कि कितने रुपए की गैस इसमें आई है। तो गाइस 432 रुपए की इसमें सीएनजी आ गई, अगर हम उसको भाग करेंगे 75.6 से जो कि रेट है दिल्ली में, तो 5.7 केजी गैस इसमें सिलेंडर में आई है जो कि 12 किलो का है और 205 किलोमीटर हमने इसको चलाया मतलब ज़्यादा ही चलाया लेकिन हमने इसका इतना लगाया क्योंकि सीएनजी के अलावा पेट्रोल पर भी चलती है गाड़ी, तो 5.7 से अगर हम भाग करेंगे 205 को तो 35.97 की एवरेज माइलेज मिली है हमें वैगनआर से, तो भाई दैट इज़ वेरी गुड। सो गाइस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।